से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। हाँ जी, आपका नाम? अनु ठाकुर, बजरंग दल जिला संयोजक, जिला रामबाग। यहाँ आप लोग आज सब आए हैं, बजरंग दल वाले आज यहाँ क्यों आए हैं? आज संपूर्ण भारतवर्ष में बजरंग दल के द्वारा SDM और DM को, जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, जो विगत 8 अक्टूबर को जो घटना हुई है, हिंदू परिवार को, एक गर्भवती महिला को, 8 साल के बच्चे को अन्य समुदाय के द्वारा हत्या किया गया, उसके विरोध में आज बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति जी के नाम में एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि वहाँ की ममता सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जय श्री राम। जय जी। आपका नाम? मेरा नाम मनु ठाकुर, प्रखंड संयोजक, बजरंग दल जी। आज आपने यहाँ क्या किया है, किस विषय पे आप लोग बजरंग दल वाले यहाँ आए थे? आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। आज हम जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है, जिस तरह से परिवार, बेकसूर परिवार की इतनी बुरी तरह से जो हत्या की गई है, तो उसके विरुद्ध में हम यहाँ SDM अहमदपुर को ज्ञापन देने आए हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं, ज्ञापन दे के हम सरकार से मांग करने आए हैं कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से की जो राज्य सरकार है उसे तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये सरकार हिंदुओं के लिए बहुत ही भयानक है। वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ इतनी हो रही हैं कि हिंदुओं को दिन भर वहाँ पे अत्याचार होता है और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है दिन पे दिन उन्हें प्रोत्साहित करती है मुस्लिमों को कि हिंदुओं पर अत्याचार किया जाए। इसके उपलक्ष्य में हम ज्ञापन देने आए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट